नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। समूचे देश में बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है, वहीं उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। इसी पर हम बात करेंगे, दौड़ती महंगाई, पहाड़ चढ़ता पेट्रोल। एक ओर पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते हर वर्ग आर्थिक स्थिति के संकट से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ती महंगाई ने आम जनमानस की कमर तोड़कर रख दी है। दिन प्रतिदिन बढ़ते पेट्रोल के दामों ने जनता के पसीने निकाल दिए हैं। वहीं उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पेट्रोल के दामों ने शतक पार कर दिया है, जिसका सीधा असर जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ रहा है। साथ ही साथ जो वहां के लोग हैं वो परेशान है। आलम यह हो गया है कि चाइना बॉर्डर के करीब मुनस्यारी तहसील में पहली बार पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच गए। पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे जैसे पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, वैसे वैसे लोग परेशान हैं। उत्तराखंड में विपक्ष सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के महानगरों में भले ही पेट्रोल के दाम 100 रुपए के करीब पहुंच चुके हो, लेकिन आज उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं पेट्रोल के दाम शतक मार चुके हैं। बात करें भारत चीन सीमा पर बसे मुनसरिया में पेट्रोल के दाम 100 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इतना ही नहीं, चमोली जिले के जोशीमठ में भी पेट्रोल की कीमत शतक के करीब है। अब तो राजधानी में भी पेट्रोल 100 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। उचित नहीं है, सरकार को चाहिए कि आम आदमियों की भी चिंता करे। ठीक है, सरकार को चलाने के रेवेन्यू की जरूरत है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और भी कई तरीके हैं रेवेन्यू जनरेट करने के। आप शराब से ले रहे हैं, और भी कई चीज़ों से ले रहे हैं, प्रॉपर्टी में टैक्स के जरिए ले रहे हैं, पर इतना ज़्यादा बोझ आम आदमी के जीवन में पड़ना सही नहीं है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इसको कुछ हद तक इसमें से रेवेन्यू कम करें। बहुत असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है घर पे, सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा पेट्रोल की दिक्कत हो रही है कि हम डलवा नहीं पा रहे, इतना महंगा हो रहा है। अब तो पैदल चलने की नौबत आ गई है, यही हो गया है। वहीं बढ़ते पेट्रोल के दामों पर लगातार कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेती आई है। कांग्रेस लगातार सरकार से सवाल कर रही है कि आखिर कब आएगा वह दिन जब पेट्रोल के दाम कम होंगे और आम जनता जनमानस को राहत की सांस मिलेगी। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी में ठप पड़े व्यापार के बावजूद महंगाई को बढ़ाकर दोहरी मार डालने का काम किया है। जो सरकारों की ओर से लगातार महंगाई पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है, गरीब आदमी तो समझ में नहीं आ रहा उसके कि वो जीते जी मर रहा है, वो तिल तिल करके मर रहा है। अपने परिवारों को पालने के लिए उसके पास 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो हमारे पर्वतीय अंचल हैं, वहाँ जिस तरह से पेट्रोल जो नॉर्मल हमारे इधर तराई के जो पेट्रोल पंप्स हैं उससे भी ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों से ज़्यादा रेट्स में बिक रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि ब्लैक मार्केटिंग को भी ये बढ़ावा दे रहा है। लोग अपने वहाँ इसकी स्टोरेज कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया, उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो लोकल उपभोग की वस्तुएं हैं उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। आप तेल के दाम देख लीजिए, खाद्य तेल आज आसमान छू रहा है, 220 रुपया लीटर खाद्य तेल मिल रहा है। ऐसे में जो गरीब की थाली है, जो व्यक्ति बाहर काम करता है उसको जो वो बाहर खाना खाता है वो इतना महंगा पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकारें राहत देने के बजाय जनता के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर रही हैं। बढ़ते पेट्रोल के दामों पर कांग्रेस जहां एक ओर लगातार बीजेपी सरकार पर हमला हो रही है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस को आईना दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते हर वर्ग को आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ा है और उत्तराखंड राज्य भी इसे अछूता नहीं है। सरकार से हम जो तेल है, जो कच्चा तेल है, वो बाहरी देशों से आयात करते हैं और पूरे तरीके से कई जगहों पर अभी जितने प्रकार से जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड का चलना चाहिए था वो नहीं है। जैसे जैसे वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन गतिमान होगा, महंगाई भी कम होगी, तेल के दाम भी कम होंगे और थोड़ा सा धैर्य जो है हम सब लोग को रखना होगा। निश्चित रूप से
हम हमारी सरकार का कर्तव्य है और हमारी सरकार की प्राथमिकता में भी है कि लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाए, महंगाई भी कम होगी, जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन खुलेगा इस पर गिरावट आएगी। कांग्रेस जिस प्रकार से बयानबाजी करती है, कांग्रेस को अपने जमाने में देखना चाहिए कि कितनी किस प्रकार से उन्होंने उनके जमाने में महंगाई बढ़ी थी, किस प्रकार से 48 रुपए का पेट्रोल था उन्होंने 70 तक 75 तक पहुंचा दिया। केवल आज विरोध के लिए विरोध करना ये अच्छी बात नहीं है। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी पेट्रोल के दाम आज आसमान छू रहे हैं। आलम यह हो गया है कि देखते ही देखते पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है, डीजल इस आंकड़े की ओर बढ़ता जा रहा है। इन सबके बीच पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन बात करें जनता की तो बढ़ते पेट्रोल के दामों ने आम जनमानस की कमर तोड़ दी है। देखना यह है कि जनता को कब तक राहत मिलेगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उन पर भी इसका असर देखा जा रहा है, जिसको लेकर अब राजनीतिक पार्टियां जो हैं बाकी वो भी इसका विरोध कर रही हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। नवीन ठाकुर हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर स्वागत है आपका। सुजाता पॉल हैं कांग्रेस से, मैम आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ राहुल शेखावत हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ संजय भट्ट हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं। सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले नवीन जी आपके पास आऊंगा। सवाल यह है कि जहां पर एक तरफ कोरोना महामारी है, उस वक्त लोगों का रोजगार छिन गया है, काम काज ठप पड़ा है, ऐसे में जो तेल की कीमतें बढ़ती जा रही, क्या सरकार को इस ओर नहीं ध्यान देना चाहिए ताकि जो बढ़ते दाम है उस पर लगाम लगाई जा सके, लोगों को राहत मिले? देखिए, सरकार लगातार जो है ध्यान दे रही है और कोरोना काल के दौरान सरकार का जितना भी राजस्व संग्रह था वो बिल्कुल शून्य हो गया था। पिछली लहर में भी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को जो है राशन उपलब्ध कराया, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई, 1,22,00,000 लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। इन सब चीजों के लिए जो पैसे की आवश्यकता पड़ती है वो राजस्व से ही मिलता है, तो पेट्रोल और डीजल के द्वारा जो राजस्व सरकार को मिला वो जनता के हित में ही खर्च किया गया, जनता के स्वास्थ्य के लिए खर्च किया गया, जनता के राशन के लिए खर्च किया गया। कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचार की भेंट कोई पैसा नहीं चढ़ा, इसलिए जनता भी जानती है कि जो आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में 68 और 70 रुपए डॉलर पर रेट पहुंच गया है प्रति बैरल का, तो उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की सरकारें हैं वो विचार कर रही है जो टैक्स सरकारों का है उस पर थोड़ी कटौती करके जो हम राहत देने का प्रयास जो है भविष्य में करेंगे। इस पर जो है हमारी सरकार और संगठन के स्तर पर बातचीत चल रही है। ठीक है, सुजाता जी, नवीन जी का कहना है जो राजस्व का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब जनता की जेब काट कर की जाएगी। तो पार्टी विद द डिफरेंस थी ना, जो पिछली सरकार थी उसको क्यों हटाया जनता ने, मतलब अपनी हार का ठीकरा आप पिछली सरकार पर फोड़ेंगे। जिस अभी इन्होंने खुद बता दिया कि क्रूड ऑयल का दाम क्या है और हमारी सरकार के समय में 159 तक पहुंचा था, तो यानी कि जब और अगर आप देखें कि किस प्रकार से ये बात बता रहे हैं तो ये मुझे ये बता दे कि ये सरकार अभी सोचेगी, अभी करेगी या कब करेगी? अभी तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने वाला है। ये जो आंकड़े दे रहे हैं ये अजब गजब के आंकड़े हैं इनके, ये आंकड़े बता रहे हैं पूरे देश के। मुझे ये बता दे कि उत्तराखंड में कितने लोगों को इन्होंने राशन पानी दिया भाई। एक तरफ तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि लोग आत्मनिर्भर हो जाइए, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो जिसकी मदद कर सकता वो कर दीजिए, तीसरी तरफ उनके पास पैसे नहीं है, वो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाके कहते हैं उनके पास पैसे नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने 4,00,000 करोड़ के करीब तो केवल सेस से कमाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसका कुछ हिस्सा नहीं मिलना चाहिए सरकार को? और ये तो डबल इंजन ट्रबल इंजन वाली सरकार है ये, लेकिन केवल ट्रबल इंजन बनकर रह गई है। अब जो ये बात कह रहे हैं पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार किया, तो आप क्या कर रहे भाई, आपके तो भ्रष्टाचार चारों तरफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कुंभ का भ्रष्टाचार भूल गए क्या? और आप तो भ्रष्टाचार मानसिक रूप से भ्रष्टाचारी हैं आप, महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं वो भूल गए आप? इस वक्त जो हमारा तेल का दाम है केवल उसको मत देखिए, इस वक्त तो ये देखिए कि तेल जो है वो सरसों के दाम को पार गया है, यानी कि जो हमारा पेट्रोल और डीजल है वो सरसों तेल बन गया है। इस ना खाने के लिए हमारे पास तेल है,
ना गाड़ी चलाने के लिए तेल है। मगर ये सही कहते हैं, इनके तो एक नेता ने कहा भी था कि भाई आप ऐसा करो कि साइकिल में जाया करो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एक ने कह दिया कि जब तक आपको परेशानी की समझ नहीं होगी तब तक आपको अच्छी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ऐसे तो बयान इन्होंने दिए। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री थी, उन्होंने क्या बात कही थी, उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता कि कब होगा। तो भाई किसको पता होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इसीलिए तो इन्होंने हटा दिया क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, लोग तमाम बातें उठा रहे थे। तो दिखाने के लिए ये हरदीप पुरी को ले आए जो आईएएस ऑफिसर है। अब मुझे बता दीजिए कि तेल के दाम आप कब कम कर रहे हैं। अगर सचमुच में आप तो हर राज्य को कहते हैं भाई कांग्रेस का राज्य है वहां पे तेल के दाम कम कर दीजिए, राज्य क्यों नहीं करती, तो हमारी सरकार क्या कर रही है, सोचेगी समझेगी और जब तक करेगी तब तक मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आ जाएगा, ये हट जाएंगे। इसका मतलब है कि राजस्व की जो ये बातें कर रहे हैं ना, ये केवल भ्रमित करने के लिए, लोगों के बारे में ये सोच नहीं सकते, ये नहीं समझ रहे हैं कि जो गरीब लोग हमारे पहाड़ों में रह रहे हैं उनके क्या हाल होंगे। हम तो फिर भी अपनी आवाज को इन तक पहुंचा रहे हैं, इनके तो कानों में झूनी रहेंगी। आज केदारनाथ में जाके देखिए उखी मठ में किस प्रकार से तहसील का घेराव किया हमारे पंडा पुरोहित भाइयों ने, हर तरफ त्राही माम कर रखा है, बेरोजगार अलग और ये महंगाई हमें मार डाल रही है। इनसे पूछे समाधान कब देंगे, बिल्कुल समाधान कब देंगे, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जाता है, आश्वासन देती है कि जल्द से जल्द जो बढ़ते दाम है उस पर लगाम लगाई जाएगी। संजय जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी। संजय जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है बढ़ती महंगाई को लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं असर बाकी चीजों पर भी पड़ रहा है। शैलेंद्र जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई नवीन ठाकुर जी ने कहा कि जब कोरोना काल तक कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ था तो सरकार का रेवेन्यू जीरो हो गया था, इसलिए इन्होंने ये टैक्स बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल डीजल इसलिए महंगा किया है, और शायद सरसों का तेल भी इसीलिए महंगा किया हो इन्होंने ताकि अडानी का घर भर जाए या सरकार चल जाए, जो भी है। बहरहाल लेकिन जब दिल्ली की सरकार कोरोना कर्फ्यू के दौरान 2 लाख के करीब टैक्सी ड्राइवरों को, ऑटो ड्राइवरों को 5,000 रुपए दे सकती है, लोगों को दूसरी तरह से हेल्प कर सकती है और लोगों को भी पैसे दे सकती है, नगद मजदूरों को पैसे दे सकती है 5,000 रुपए, तो उनके पास भी तो रेवेन्यू आ रहा होगा, तो आपका ही रेवेन्यू क्यों खत्म हुआ, सभी सरकारों को खत्म होना चाहिए था। दिल्ली में भी तो इसी देश की एक राज्य की सरकार है, वो तो 5,000 रुपए मजदूरों को भी दिए उन्होंने हर महीने 4 महीने तक, और 5,000 रुपए टैक्सी ड्राइवर ऑटो ड्राइवर को भी दिए 4 महीने तक 5,000 रुपए, तो उनका रेवेन्यू कहां से जनरेट हो रहा था। आप मतलब तथ्य की बात कीजिए, ये नहीं कि आप क्यों बैठ गए टीवी पे तो कुछ भी बोल देंगे कि इसलिए हमने रेट बढ़ा दिए, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर बाबा रामदेव जी की बात माने तो मोदी सरकार को पेट्रोल 35 रुपए लीटर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी 29 रुपए लीटर केंद्र सरकार को पेट्रोल पड़ता है। ठीक है, हमारे साथ राहुल जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल जी, सवाल ये है कि नवीन जी का जो कहना है इस पूरे मामले पर, उनका कहना है कि राजस्व की भरपाई की जा रही, कोरोना काल में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, और उस राजस्व की वसूली के लिए आम आदमी की जो जेब है उसको काटना पड़ रहा है। राहुल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है, सवाल रिपीट करेंगे अपना। राहुल जी, सवाल यह है कि जो बढ़ती महंगाई है, तेल और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उस पर नवीन जी का ये कहना है कि राजस्व को नुकसान पहुंचा, राजस्व की भरपाई के लिए आम आदमी की जेब से हम ये पैसा वसूलेंगे और बढ़ोतरी दामों की रहेगी। अब देखिए, वो चूंकि सत्ताधारी दल के प्रवक्ता, तो मेरे ख्याल से सरकार को डिफेंड करना उनका संवैधानिक या मूलभूत दायित्व है, उनका अधिकार है, और जो करना चाहिए, वरना आप जानते हो उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसकी जिम्मेदारी है किसकी, जिम्मेदारी किसको देंगे, विपक्ष को देंगे, विपक्ष की सरकार को देंगे, क्योंकि सरकार में आप और मोटे तौर पर जो तमाम जो राज्य हैं, राज्य में अधिकांश सरकारें वो भी बीजेपी की हैं, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तो लेनी पड़ेगी। अब कोरोना के नाम पर आप कहेंगे साहब हमारा जो रिवेन्यू है वो घट गया था, तो फिर एक दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या सरकार के पास आज भी रिवेन्यू बढ़ाने का वही जरिया बचा हुआ है, तो फिर पिछली सरकार में और आज की सरकार में फर्क क्या है, ये डर्रा पुरानी सरकार का था, वही डर्रा इनकी सरकार का है। भाई आपके पास अगर आपको रिवेन्यू चाहिए तो आपको शराब बेचनी है, अगर आपको रिवेन्यू चाहिए तो आपको सीधा डीजल पेट्रोल बढ़ा देना है, रिवेन्यू करना है तो आप सीधा आपको बढ़ाना है तो रेलवे में सीधा फर्स्ट क्लास का किराया बढ़ा दो आप, या फिर सीधा फ्लाइट का आप रेट बढ़ा दो,
तो आपको नए मॉडल्स पे विचार करना पड़ेगा, आपके पास नए जरिए क्या हो सकते हैं। और ये जो कहीं ना कहीं तो सरकार की अपनी नाकामियां है, अपनी उनकी नीतियों की, उनकी जो तमाम जो नीतियां हैं उनकी नाकामियां है ना, जो महंगाई बढ़ रही है। कोरोना कब से आया है? कोरोना पिछले 1.5 साल, उससे पहले जो पेट्रोल तमाम जो डीजल उसके जो प्राइस जो बढ़ रहे थे वो आसमान छू रहे थे, वो तो पहले भी बढ़ रहे थे। बस तो ये सवाल उठता है कि कोरोना से तो कहीं ना कहीं सरकार को मौका मिल गया अपने आप को अपनी को पर्दा ढकने का। दूसरा, जहां तक स्पेसिफिक डीजल पेट्रोल की बात है, तो उसमें टैक्सेशन इतने कर रखे हैं कि जैसा ये लगता है कि बिल्कुल सीधे तौर पे जेब काटने का लोगों की यही एक तरीका इनके पास बचा हुआ है। भाई आप अगर जीएसटी देश में लागू है तो फिर डीजल पेट्रोल जीएसटी से बाहर क्यों है? क्यों नहीं केंद्र सरकार उस पर, क्योंकि सारी चीजें तय करके नीति और नियम वो केंद्र सरकार को बनाने हैं। तो सरकार ये क्यों ये डीजल पेट्रोल है उसको जीएसटी से बाहर क्यों है, जब एक देश है एक राशन है, एक देश है एक विधान की बात होती है, एक देश एक टैक्स की बात होती है, तो क्या डीजल पेट्रोल उस देश के संविधान से या देश के उसकी परिधि से बाहर है क्या? उसे लाने पर सरकार क्यों नहीं विचार करती है? इसमें आप देखो टैक्सेशन कितने हैं, दूसरा जो क्रूड ऑयल है उसके रेट्स कितने हैं, उसका आप डिफरेंस देख लीजिए। तो ये बिल्कुल लैम एक्सक्यूजेस जो है, देखिए बहुत ज्यादा गले नहीं उतरते। अब दिक्कत उसकी ये है कि उसका सारा जो भार है वो आम आदमी पर उसका पड़ता है, चाहे वो उपभोक्ता किसी भी श्रेणी का हो, चाहे वो मीडियम मिडिल क्लास हो और लोअर क्लास हो, और सब चीजें इंटरलिंक है। तमाम जो महंगाई है, अगर आप ये प्राइस बढ़ेंगे तो फिर आपकी महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल के अगर दाम बढ़ेंगे तो बाकी चीजों पर भी इसका असर साफ तौर पर पड़ता है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी एनजीओ में दे देंगे। फंड्स किसी एनजीओ को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें? हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बाद उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाए। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में है डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात कर रहे हैं बढ़ती महंगाई और आसमान छूते पेट्रोल और डीजल के दामों पर। हम वापस आएंगे नवीन जी के पास। नवीन जी, सवाल यह है कि जैसा कि आप काफी समय से चर्चा चल रही थी कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उसको GST के दायरे में लाया जाएगा, आपकी सरकार के नेता, बड़े बड़े नेता, सरकार ये बात करती है कि एक देश एक कानून, एक देश एक विधान, एक देश एक चुनाव, तो क्या एक देश में एक टैक्स नहीं होना चाहिए? क्या GST के दायरे में पेट्रोल डीजल नहीं आ सकता? जब इस बात को केंद्र में निर्मला सीतारमण जी ने उठाया तो कांग्रेस शासित राज्य जो है बैठक में नहीं आए। आज हमारी आदरणीय दीदी यहाँ पर बता रही थी कि 159 रुपए जो है
क्रूड ऑयल पहुंच गया था, तो 65 रुपए से 110 रुपए तक जो है कांग्रेस शासन काल में रहा, और 43,000 करोड़ रुपए का कर्ज केवल हमने ईरान का तेल का देना था। कांग्रेस जो है जो लगातार झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ बोलती रहती है, कांग्रेस के शासन काल में आप देख लीजिए राष्ट्रीय जो राजमार्ग का निर्माण होता था वो 2 से 2.5 किलोमीटर होता था, आज जो है 30 से 32 किलोमीटर प्रतिदिन हो रहा है। कांग्रेस कह रही है कि कोरोना काल में कुछ नहीं किया। जो विश्व की सबसे बड़ी अटल आयुष्मान योजना है, 5 लाख का जो है बीमा भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा प्रत्येक गरीब को दिया गया, कोरोना काल में जिन लोगों ने इस इलाज का फायदा उठाया वो उनके दिल से पूछे वो जानते हैं, लेकिन कांग्रेस को केवल सवाल उठाने, केवल झूठे आरोप लगाने। अरे भैया ठीक है, हम तो कह रहे हैं ना, आपके 4 राज्य हैं, तो 4 बचे खुचे राज्यों में, 4 या 3 कितने राज्यों में सरकार बची है, वहां से शुरुआत करिए ना। आप जो है उदाहरण पेश करिए ना जनता के सामने, आप जहाँ 20 और 25% जो वैट ले रहे हैं उसको घटाइए, आपको देखा देखिए और राज्य भी घटाएंगे। हमारी सरकार ने ये नहीं कहा था, हमारे प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था उस वक्त कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, जनता भूली नहीं है वो। जब कोई योजना लानी होती थी, जब कुछ काम करना होता था, तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बयान दिया था। आज यहाँ पर जो है कांग्रेस की प्रवक्ता बयान गिना रही थी हमारे नेताओं के, तो जनता वो बयान भूली नहीं है कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, जनता वो बयान भूली नहीं है। जब पानी की दिक्कत हुई थी तो उन्होंने कहा था, शब्द बोलना भी उचित नहीं यहाँ पे, कि मैं डैम में वो करके भर दूं क्या डैम, जनता भूली नहीं है वो सारे बयान। और हमारे पास तो ऐसे जो है वैज्ञानिक है नहीं जो आलू डाल के सोना बना दें, तो इसलिए हम तो लेकिन नवीन जी बयानों पर मत जाइए, बयानों की अगर बात करेंगे तो आपकी पार्टी जब सत्ता में आई 2014 में, उसके पहले आपकी पार्टी के नेताओं ने भी महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए और ये कहा है कि जब आप आएंगे तो जो पेट्रोल उस वक्त 60 से 70 रुपए के बीच था और वो जब आप आएंगे तो 35 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, ऐसा आपके नेताओं के बयान भी हैं। पेट्रोल पहुंचा और एंकर महोदय इनको सिलसिलेवार डेट के हिसाब से बता देती हूँ, डेट के हिसाब से ठीक है नवीन जी, जवाब ले लेते सुजाता जी। सुजाता जी इनका कहना है नवीन जी का कि आपकी पार्टी जब मीटिंग करी गई थी केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी में पेट्रोल डीजल के दामों को लाने की, तो आपकी सरकार जहाँ है राज्य सरकार राज्य में वो लोग पहुंचे नहीं थे मीटिंग में। देखिए ये आप जब इन्होंने किसी की सुननी नहीं, अगर सुननी हो तब तो हम पहुंचे, हम पहुंचे और ये हमारी बात को सुने तो कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इनके यहाँ जो है ना केवल केवल गोबर और गौमूत्र के हिसाब से सब चीजें चल रही हैं। आपने सुना नहीं आज बयान इनके आदित्यनाथ जी का, वो कह रहे हैं कि अब सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा लोगों को, मतलब लीगली कुछ नहीं चलता है इनका, इन्हें पता ही नहीं कि करना क्या। अभी भाई हमारे तो मुख्यमंत्री जी एक ढोंगी तांत्रिक बाबा की किताब का विमोचन कर रहे थे, और वो जो ढोंगी बाबा है ना तांत्रिक, एक महिला के जो गहने हैं वो लेके भाग गया था, एक ज्वेलर के 2.25 करोड़ के जो गहने हैं वो लेके भाग गया था, जेल में रह के आया 2 बारी, ये बातें कैसे कर रहे हैं। अब मैं मुद्दे पे आऊं तो मुद्दे पे इनकी बात का जवाब देती हूँ कि स्मृति ईरानी जो है उन्होंने 20 सितंबर 2012 को कहा था कि पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं, फिर प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तारीख भी बता दे रही हूँ इनके लिए, 14 सितंबर 2013, फिर 24 मई 2014 को मोदी जी ने कहा था कि हम आएंगे तो तेल के दाम कम कर देंगे, ये तेल के दाम करना नहीं जानते कम, इसलिए इनको आता नहीं कि सरकार कैसे चलाना, हम आएंगे तो हम करके बताएंगे। फिर मोदी जी ने ये भी कहा था कि लोग कहते हैं कि इनकी किस्मत कितनी अच्छी है, तो मेरी किस्मत अच्छी है तो मुझे चुनो ना, ये बातें तो इन्होंने कही थी। साइंटिफिक टेंपर है नहीं। अब जो बातें मैं इनको कह रही हूँ इनके बारे में इनकी समझ में नहीं आ रहा, 8 जुलाई को हरदीप पुरी ने कहा मुझे समझने दो, अरे भाई आप मंत्री बन गए अब आप जल्दी से बताइए 8 जुलाई से आज 14 जुलाई हो गई या नहीं हो गई, और आप सो रहे हैं आपको पता ही नहीं कि क्या करना है। इनके प्रद्युमन सिंह तोमर 29 जून को कहते हैं कि भाई स्वास्थ्य के लिए पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाओ। उसके अलावा 8 जून को बिजमोहन अग्रवाल ने तो कहते हैं ये पैसे दाने तो वो खाना बंद कर दे, अन्न त्याग कर दे, इनके नेताओं की बातें बता रही हूँ। 25 तारीख तो आपको पता है निर्मला ने कहा कि मतलब ये धर्म संकट है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, तो सीधी बात है ये आंकड़े अभी भी राज्य के नहीं दे पाए, ये बता दे कि हमारे राज्य में कितना कितने लोगों तक इन्होंने राशन पहुंचाया, कितने लोगों के पॉकेट में पैसे दिए। हम बार बार इनको कह रहे हैं कि लोगों के हाथ में पैसे दे दीजिए, और आप वैट दूसरों को कह रहे हैं, भाई जिस सरकार जिन लोगों को हटा दिया और आप कह रहे हैं वो 3-4 राज्यों में रह गए, तो वो एग्जाम्पल बने या वो एग्जाम्पल बनेगा जो
पूरे देश में छाया हुआ है, जो ये कह के आया था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, इसका मतलब है ये स्थिति को नहीं ठीक करना जानते और केवल ये बातें बना रहे हैं। मुझे ये बताइए, आज की प्रॉब्लम को पिछली सरकार पर दोष मढ़कर क्या सॉल्व किया जा सकता है, मुझे सिर्फ ये बता दें। बिल्कुल सुजाता जी, लेकिन सवाल यह है कि अगर जीएसटी को लेकर मीटिंग होती है, अगर पेट्रोल डीजल के दामों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, तो आपकी राज्यों में जहां सरकार है वो लोग वहां उपस्थित होंगे, वो लोग शामिल होंगे, वो लोग इस पक्ष में हैं? बिल्कुल, देखिए हम तो हर उस जगह पे पहुंचेंगे जहां पे सही चीज करी जाए, लेकिन जिस प्रकार से ये कोई मीटिंग करते हैं और फिर वन वे ट्रैफिक, मन की बात, वन वे ट्रैफिक, प्रधानमंत्री की बात, जो प्रधानमंत्री कहेंगे, हमारे तो मुख्यमंत्री जो थे पिछले वाले तो इतने सारे इन्होंने दे दिए, किसके बारे में बात करूं, वो जो TSR2 थे उन्होंने ये कहा था हमें तो यही नहीं पता कि ट्रेन चढ़ सकती है पहाड़ में, तो जब हमारे राज्य के लोगों की बात हो रही है तो ये निश्चित तौर पर केंद्र की ही बात करेंगे। ठीक है, जवाब लेंगे नवीन जी से, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है, बस बातें करवा लो इनसे। जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल, तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात कर रहे हैं बढ़ती महंगाई और आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दामों पर, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। हम वापस आएंगे नवीन जी के पास। नवीन जी, ब्रेक से पहले सुजाता जी ने कहा था कि आप एक बात कह रहे हैं कि जहां पर इनकी राज्य सरकार में सरकारें हैं केंद्र कांग्रेस की, वहां पर वो वेट क्यों नहीं कम करते क्या? लेकिन ज़्यादातर सरकारें जो हैं देश में आपकी हैं, तो आपको पहल नहीं करनी चाहिए? आपको क्या एग्जांपल नहीं सेट करना चाहिए वेट कम करके? चलेंद्र जी, मैंने तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार स्तर पे अभी विचार विमर्श चल रहा है और बहुत शीघ्र जो है हमारी राज्य सरकारें इस पर राहत देगी, लेकिन कांग्रेस केवल हो हल्ला मचाती है और केवल जो जनता को दिखाने के लिए ड्रामेबाजी करती है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इतने ही चिंतित हैं जनता के लिए, तो भैया शुरुआत क्यों नहीं करते आप? भारतीय जनता पार्टी किसी मुख्यमंत्री ने कोरोना काल के दौरान ये नहीं कहा था? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा था सबका ठेका नहीं ले रखा हमने, सबका इलाज नहीं करा सकते हम। अशोक गहलोत ने कहा था, खूब चली न्यूज पूरे राष्ट्रीय मीडिया में। हमारे किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं कहा। हमारे मुख्यमंत्री तो लगातार कोरोना काल के दौरान सेवा कार्यों में लगे रहे। ये कह रहे थे GST की बैठक में अगर हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे। अब देख लीजिए, कोरोना की दूसरी लहर के लिए जो बैठक बुलाई गई थी जनवरी में,
उसमें जाए कैप्टन अमरिंदर नहीं गए, कैप्टन अमरिंदर ने मना कर दिया जाने से, और उसी का नतीजा रहा कि जो वेंटिलेटर केंद्र द्वारा भेजे गए थे वो सड़े इनके यहाँ, वैक्सीन बेच दी इन्होंने, तो पूरे देश की मीडिया ने जो है ये दिखाया, वैक्सीन इन्होंने बेची, वेंटिलेटर इन्होंने सड़ा दिए, कोरोना की दूसरी लहर की तैयारी नहीं की, इसलिए पंजाब का इतना बुरा हाल रहा। केंद्र द्वारा मदद की गई, पीएम रिलीफ फंड से जो ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसे दिए गए थे वो प्लांट नहीं लगाए, एंकर महोदय दिल्ली में भी नहीं लगा, एंकर महोदय नवीन जी उसकी जो आप बात कर रहे हैं वेंटिलेटर्स की और ऑक्सीजन की उसकी बात मत कीजिए, ये हाल पूरे समूचे देश में था, हर राज्य इससे अछूता नहीं रहा है, हम बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल और बढ़ती महंगाई को लेकर, उस पर बात कीजिए। चलने के लिए कुछ नहीं है अगर ये, अरे आप तो वो भी नहीं कर सकते, आपकी तो सारी ताकत खत्म हो चुकी, अरे सुन तो लीजिए मैं आगे की बात बता रही हूँ, आगे की बात बता रही हूँ, अरे आपके चीखने चिल्लाने की तो बात मत करिए, वो स्मृति ईरानी संसद में बैठ के चीखती है, अरे शब्दों को देखा है बंसीधर भगत की शब्दों को, शर्म भी नहीं आती कि बोलते क्या, विनय गोयल इसी चैनल पे बोल के गए, मुझे समझ में आया तमीज नहीं है आपके नेताओं को, बेशरम नेता है आपके नवीन चौधरी जी, आपके नेता बेशरम है, भूल गए बंसीधर भगत की बकवास, भूल गए अपने नेताओं की बकवास, बेशर्मी की पराकाष्ठा है आप लोग, बोलिएगा मत, विनय गोयल ने क्या कहा था, विनय गोयल ने क्या कहा था, अरे शर्म करो शर्म करो, तुम डूब मरो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, और राज्य को डुबो रहे हो। अगर महोदय ये अगर यूपीए की सरकार की बात कर रहे हैं तो मैं इनको कुछ आंकड़े देना चाहती हूँ। ठीक है नवीन जी, नवीन जी, नवीन जी शांत हो जाइए, नवीन जी अगर बात करें, आप कह रहे हैं कांग्रेस से चिंतित है, अगर कांग्रेस चिंतित है लेकिन आम आदमी तो पीड़ित है ना, तो जो पीड़ित है उसकी बात तो सुनेंगे, क्योंकि ये सरकार संभाल नहीं सकते, और एंकर महोदय पेट्रोल के ऊपर यूपीए की सरकार के समय 9.5 रुपए से कम प्रति लीटर सेस लगता था, 32.90 रुपए प्रति लीटर लगता है, डीजल पर 3.56 रुपए लगते थे, अब लगता है 31.80 रुपए। राजस्थान में क्या हाल हुआ आपका, देख रहे हैं ना, इनको जीरो के अलावा कुछ नहीं आता, क्योंकि ये राज्य को नवीन नवीन जी सवाल जीत हार का नहीं है, कौन से राज्य में किसकी सरकार है, किसकी सरकार नहीं है, किसका क्या हाल हुआ, बात यहाँ बढ़ती महंगाई को लेकर हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई चरम पर है, उस पर चर्चा हो रही है, जब कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी केंद्र पर तब आप धरना प्रदर्शन करते थे, आप कहते थे जब हम आएंगे तो पेट्रोल की कीमत 35 रुपए कर देंगे, जो कि ऐसा नहीं हुआ। हम वापस राहुल जी के पास आएंगे, राहुल जी सवाल यह है कि अगर बात की जाए, सरकार जो कह रही है कि वैट जो है उसको कम करना चाहिए, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती जो सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल डीजल को लेकर, उसको कम करना चाहिए? देखिए राज्य सरकार, आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो तमाम जो मार्क जो डीजल पेट्रोल उसके प्राइस को तय करता है वो सेंट्रल बॉडी है, उसके बाद तमाम जो राज्य सरकार है उसमें बीजेपी भी शामिल है, लेकिन राज्यों की जो सरकार है उनका जो रेवेन्यू है उसके एक अपने उनके जो सोर्सेज है वो तयशुदा है, उसके अलावा है नहीं, फिर जब जीएसटी आया था तो उसके बाद एक फॉर्मूला तय हुआ था कि इतना केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी, अगर आपको याद हो कि तकरीबन 6 महीने पहले जो या 7 महीने पहले राज्यों का सरकार का जो बकाया था जीएसटी का वो उनको नहीं मिल पा रहा है, तो देखिए राज्य सरकारों की अपनी मजबूरियां हैं क्योंकि उनके पास लिमिटेड साधन है, चाहे किसी की हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, या दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार हो, या साउथ में जो वहां की जो लोकल रीजनल पार्टीज है उनकी सरकार हो, आपको मालूम है कि वो गतिरोध बना था कि जो उनका ड्यू था जीएसटी का वो नहीं मिला था, वो पेंडिंग चल रहा था, तो आपको जो जो नीति बनानी पड़ेगी या जो उस पर मुद्दे पर आपको आना पड़ेगा तो उसके लिए आपको तयशुदा चीजें लानी पड़ेगी, उस पर एक सर्वानुमति बनानी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है कि हर चीज में पॉलिटिक्स का कॉकटेल हो जाता है, लेकिन मुद्दा महंगाई का है, पॉलिटिक्स साहब आपने ये नहीं कहा और मैंने ये नहीं किया, ये सवाल थोड़ी है इसमें, पर तर्क और तर्क हो बात हो उसमें तर्क और वितर्क होने चाहिए। अब इसमें समस्या क्या है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता ये लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, मुद्दा तो महंगाई का है ना, आज की महंगाई का जवाब क्या देगा, क्या आज की महंगाई का जवाब ये है कि 1947 में इतनी महंगाई थी और ये 1962 में इतनी महंगाई थी, भाई महंगाई आज है उसका आज का जवाब कौन देगा, किससे मांगा जाए, इसका जवाब कौन देगा, सवाल ये ना, इससे राहुल गांधी से कब तक जवाब मांगे,
जाके देवगोला से मांगे, अब इंद्र कुमार गुजराल बचे नहीं उनसे जाके मांगे, नेहरू जी बहुत पहले चले गए थे उनसे मांगे, भाई आप कहीं जिम्मेदारी तो लीजिएगा। दूसरा सबसे बड़ा संकट क्या है, कोई दिक्कत है, देखिए हमेशा एक चीज है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आपको बता रहा हूँ, कोई भी समस्या सबसे पहले उसको स्वीकार कीजिए, उसके बाद लोगों को एक देखिए एक विधा बिल्कुल विलुप्त हो गई है, एक जो जो लोग एक जो कंसेंसस थी पॉलिटिकल पार्टीज में जो काम के मुद्दे हुआ करते थे, जब इलेक्शन हुआ करता तो इलेक्शन खूब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होते थे, लेकिन बाकी काल में क्या होता था पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बात करती थी, एक दूसरे की समझ का फायदा लिया करती थी। आज संकट ये कि वो कम्युनिकेशन तो गैप छोड़िए, गैप तो पहले भी थोड़ा बहुत हो सकता था, कम्युनिकेशन खत्म हो गया है। अब जो मन की बात जो ये सुजाता बोल रही थी वो मन की बात कॉन्सेप्ट आ गया है, अरे मिलजुल के करना पड़ेगा, भारत एक गणतंत्र है, उसके उसके अंदर बहुत सारे राज्य हैं, उससे सभी प्रभावित हो रहे हैं, बीजेपी वाले आज तो सरकार का डिफेंड कर रहे हैं, कल यही बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं, कल ये अगर पेट्रोल का एक रुपया बढ़ेगा तो कल ये चिल्लाएंगे, और बल्कि मैं तो विपक्ष से कहूंगा, विपक्ष अगर इधर जब अगर आपको याद हो अगर पिछले 7 साल से पहले के हाल जब पेट्रोल भरा करता क्या हुआ करता था, कौन कौन सी नेत्रियां थी, कौन कौन से नेता थे, कितने बड़े बड़े नेता जो बैठ के सड़कों पर आया करते थे, और आज मुझे तो विपक्ष से भी शिकायत है, भाई जनता की नुमाइंदगी कौन करेगा, वो विपक्ष करेगा, अगर ये मुद्दा नहीं उठ पा रहा है तो क्यों नहीं उठ पा रहा है, भाई इतनी महंगा इतना पेट्रोल बढ़ गया तो उसका वो डीजल का बढ़ रहा है, देखिए डीजल पेट्रोल एक ऐसी चीज है पूरी महंगाई उससे इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है, खाली ये नहीं कि मुझे जाके गाड़ी में पेट्रोल भराना है या मुझे डीजल भराना पूरी जुड़ी है। एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसान की बात मैं कर रहा हूँ, सपोज चूंकि मेरी बैकग्राउंड भी एक किसान की है, आप छह दिक्कत क्या ये जवाब विपक्ष को ना चाहिए, विपक्ष दे नहीं पाता है, 6,000 रुपए आप किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं, आप पिछले एक साल की बात कर रहा हूं मैं, एक साल मुझे बता दीजिए डीजल पर कितना पैसा बढ़ गया, उसको जरा आप मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आप एवरेज भी निकालेंगे, अगर एक किसान साल में 150 लीटर भी अगर पेट्रोल माफ कीजिएगा डीजल खरीद रहा है 150 लीटर, तो उसको आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने किसान सम्मान निधि उसकी जेब से निकाल दिए, जैसा पहले कहा था जो हमारे जो मित्र ठाकुर साहब उन्होंने बताया था कि साहब प्रधानमंत्री ने फलाने कहा था, तो ठीक है कल आज के प्रधानमंत्री वो कह देंगे भैया पैसा कोई घर में बैठने प्रिंटिंग प्रेस चुड़ लगी है, पैसा तो आपकी जेब से निकालना है, कल वो भी कह देंगे, अल्टीमेटली कौन दम किसका निकल रहा है, दम तो आम आदमी का निकल रहा है, बिल्कुल दम जो है वो आम आदमी का निकल रहा है, आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। नवीन जी सवाल ये भी है कि जब क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं तब तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाए जाते, लेकिन जब आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते हैं, जब आपसे जवाब सवाल किया जाता है तो आप कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट बढ़े हुए हैं इसलिए हमें मजबूरन दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, तो ये दो तरफा बात कैसे मानी जाए? नरेंद्र जी दो तरफा बात नहीं, मैंने सीरीज पार्ट बात कही कि क्रूड ऑयल से जो राजस्व एकत्रित हुआ उस राजस्व का एक एक पाई ईमानदारी के साथ जो है जनता के लिए खर्च की गई। आप देख लीजिए कांग्रेस के शासनकाल में एक प्रधानमंत्री ने कहा था इन्हें कि मैं 1 रुपए भेजता हूँ 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे खा जाते थे बीच में। आज यदि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 6,000 रुपए किसान निधि सम्मान दे रही है किसानों को, तो 6,000 भेजते हैं तो पूरा 6,000 पहुंचता है डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट के माध्यम से। नवीन जी मैंने क्या एक मिनट माफ कीजिएगा नवीन जी, मैंने ये कहा मैंने एक एग्जांपल दिया है, किसान को 6,000 रुपए दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जो 6,000 आप दे रहे हो जितना एक साल में डीजल पे बढ़ा है उसको मल्टी मैं एक छोटे से एक मेरी बात सुनिए, मेरी मुझे पॉलिटिकल में बनाइए, आप पॉलिटिकल जवाब पॉलिटिकल लोगों को दीजिएगा, मैंने एक एग्जांपल दिया 6,000 रुपए साल की आप सम्मान निधि किसान को दे रहे हो, पिछले एक साल में डीजल के कितने रेट बढ़ गए हैं, अगर एक किसान का बहुत छोटी बात तो लोअर लिमिट पा रहा हूँ, अगर 150 लीटर भी अगर डीजल साल का खरीद रहा है तो सम्मान निधि आपने जेब से निकाल ली उसके, पॉलिटिकल नहीं है, नहीं पॉलिटिकल आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ, आपकी बात का उदाहरण दे रहा हूँ कि आपने जो उदाहरण दिया 6,000 का वो बता रहा हूँ, मैंने आपको कोई पॉलिटिकल जवाब नहीं दिया, मैंने तो उदाहरण लिया आपकी बात का कि आपने जो किसान सम्मान निधि का जिक्र किया, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था मैं 1 रुपए भेजता हूँ और 15 पैसे पहुंचते हैं, तो मैंने उदाहरण लिया कि जो हम 6,000 रुपए भेज रहे हैं क्या वो आज 3,000 पहुंच रहे हैं 1,000 पहुंच रहे हैं? नवीन जी लेकिन बात तो वही ना, आप 6,000 उधर भेज रहे हैं और उधर से वसूल ले रहे हैं, राहुल जी कहना है जो 6,000 रुपए भेज रहे हैं और डीजल के जिस तरह से दाम बढ़े हुए हैं और वो कहीं ना कहीं से वापस आप ही के पास पहुंच रहा है। हाँ सुजाता जी के पास आएंगे, सुजाता जी कुछ कहना चाहती हैं। जी सुजाता जी नहीं राहुल जी मैंने आपके सवाल को केवल उदाहरण के तौर पर पेश किया, पॉलिटिकल नहीं मैंने यूज किया, जवाब मैंने दिया। ठीक है ठीक है नवीन जी आपके पास आएंगे, सुजाता जी बहुत देर से कुछ कहना चाहती हैं। की तरह पैसा भ्रष्टाचार ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए, ये दुनिया ने देखा, चुप कराएंगे तभी बोलूंगी मैं। नवीन जी आपके पास आएंगे और भी मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास भी हमें जाना है, उनसे भी उनके जवाब भी लेने हैं। जी सुजाता जी अपनी बात कही, इनको चुप कराएंगे तभी बोलूंगी। ठीक है नवीन जी।
ठीक है नवीन जी, आपके पास आएंगे। ये सुजाता जी ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, इससे ये बोलते जाएंगे। वैज्ञानिक हैं जो आलू से सोना बनाते हैं, वो फॉर्मूला हमें बता दें। इनके रहेंगे तभी तो बताऊंगी या बकबक करते रहेंगे। नवीन जी पुराने बयान क्या कहते हैं, बयानबाजी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम वर्तमान के मुद्दे की बात कर रहे हैं। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। नवीन जी शांत हो जाइए, नवीन जी शांत हो जाइए, वापस आपके पास आएंगे तब अपनी बात कहिएगा। नवीन जी शांत हो जाइए, बाकी लोग भी हमारे से जुड़े हुए हैं। नवीन जी आपके पास आएंगे, नवीन जी आपके पास आएंगे, शांत हो जाइए, सुजाता जी को अपनी बात कहने दीजिए। ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो बातें ये कह रहे हैं झूठ है। जनता ने आपको जवाब दिया, इस तरह से तो डिबेट होगी नहीं आंकर महोदय। या तो इनको चुप कराइए नहीं तो मैं इन्हें बोलने नहीं दूंगी। अगर ये झूठ बोलेंगे। नवीन जी जो हम जिस मुद्दे पर बात करें उस मुद्दे की बात करिए ना, बयानबाजी की बात क्यों कर रहे हैं, पुराने बयानों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? पुराने बयानों से कोई मतलब नहीं। अगर पुराने बयानों की बात करेंगे तो आपकी पार्टी ने भी जब केंद्र सरकार में सत्ता में आई थी तो उसने भी कहा था जब हम आएंगे तो पेट्रोल के दाम 35 रुपए कर देंगे, ऐसा नहीं हुआ। नवीन जी कृपया शांत हो जाइए, इस तरह डिबेट नहीं होती, दूसरों को मौका दीजिए। बनाने का काम कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं। सब्जी मंडी तो यही है, आप तो सब्जी मंडी के अंदर बैठे दिख रहे हैं और वैसे ही कर रहे हैं डिबेट। आपको लगता है कि आपको सुनना नहीं है, जो सरकार में बैठा होता है उसे सुनना पड़ता है। तो एंकर महोदय आपको बता दूं कि जून 2014 में अभी केवल आप जो है झूठ में झूठ बोलेंगे। नवीन जी शांत हो जाइए, नवीन जी अब वापस आऊंगा आपके पास तब अपनी बात कहिएगा। नवीन जी शांत हो जाइए, वापस आऊंगा आपके पास। 39 रुपीज 30 पैसा पेट्रोल का, मैं आपको दोनों डेटा दे रही हूँ। 2014 जून में 48 रुपीज 40 पैसा था बेस प्राइस, आज बेस प्राइस है 39 रुपीज 30 पैसा। मतलब उस समय जिस दाम पे पेट्रोल को बेचा जा रहा था डीलर को, वो दाम भी ज्यादा थे आज के दामों से, लेकिन उस पर जो टैक्स था जो राज्य का और जो केंद्र का सब मिला के आप ये समझ लीजिए कि वो भी बढ़ा दिया गया है। और कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है कि 70-75 रुपए में जो सबसे महंगा तेल बिका हमारे देश में वो आज 100 के पार चला गया है। इसका मतलब टैक्स कितना ज्यादा दिया जा रहा है। दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं जो कि सेंटर और स्टेट का, तो मैं इनको बता दूं कि अगर आप ठीकरा पिछली सरकारों पे फोड़ते रहेंगे, आप प्रॉब्लम को देखने को तैयार नहीं होंगे तो आप समाधान नहीं ढूंढ सकते। और ये जो बात कह रहे हैं, इनकी दोनों बातों का जवाब दे दूं कि प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपए जब भेजे जाते हैं तो अधिकांश पैसा खा लिया जाता है, 85 पैसा, और केवल 15 पैसे लोगों तक पहुंच पाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम पंचायती राज को शुरू कर रहे हैं ताकि एक एक पाई उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसके लिए वो है। उस वक्त तो डिजिटल भी नहीं था, जबकि डिजिटल भी प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी लेकर आए थे। अब देखिए, इन्होंने कहा आलू वाली बात तो वहां पे भी साफ कर दो कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री, वही तो कर रहे हैं आज भी, वो ऐसे सपने दिखाते हैं कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। उन्होंने जो जुमले दिए, उन्होंने कहा मैं जुमले डाल रहा हूं ये सत्य निकलेगा, मगर जुमले डालोगे तो झूठी तो निकलेगा। मनमोहन बीच में कौन बोला, अब बीच में कौन बोला, मनमोहन सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री। लेकिन नवीन जी अभी मनमोहन सिंह नहीं है ना, अभी तो आपकी सरकार है ना, तो सवाल तो आपसे करे जाएंगे। व्यक्तियों पे व्यक्तियों पर आक्षेप करते हैं, मच्छी बाजार से ये आते हैं क्योंकि ये गंदी राजनीति करते हैं। हम लोगों के लिए राजनीति करते हैं, ये केवल वोटों के लिए लोगों को भ्रमित करने की राजनीति करते हैं। अगर आज हम देखें तो हमारे राज्य में जो लोग पलायन करके गए थे वो वापस आए, हम उन्हें रोक नहीं पाए। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें बताई, त्रिवेंद्र सिंह रावत एक नंबर का झूठा मुख्यमंत्री मिला हमें, और दूसरा मुख्यमंत्री जो काम ही नहीं कर सका तीरथ सिंह रावत, वो तीरथ यात्रा पे चला गया। अब तीसरे मुख्यमंत्री आए हैं मगर उन्हें लोगों से कोई लेना देना नहीं।
क्योंकि हमने केवल भ्रष्टाचार देखा है, केवल भ्रष्टाचार। कुंभ में हमने देखा कि भ्रष्टाचार हुआ और इन्होंने किस प्रकार से कोरोना को फैलाया। आज भी देखिए, इनको इस बात की फिक्र नहीं है कि लोग जो है वो त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों के घरों में खाना पक रहा है या नहीं, उनके बच्चों को खाना मिल रहा है या नहीं, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर इन्हें किसी चीज से मतलब है तो केवल वोटों से। इनकी बातें सुन लीजिए, कह रहे वो हमें आशीर्वाद दे रहे, नहीं दे रहे। आज केदार घाटी में अगर ये देख ले तो वहाँ पर ऊंची मठ में तहसील का घेराव किया गया है, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड का विरोध हो रहा है, हर जगह कहीं पेट्रोल डीजल का विरोध हो रहा है, कहीं पर हर तरह की बेरोजगारी का विरोध हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो अपनी सरकार का बचाव करने की पूरी कोशिश कर ले, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें सत्ता में बैठाया गया लेकिन ये नहीं समझ पाए कि ये सत्ता संभालने के लिए आए हैं, पिछली सरकारों को दोष देने के लिए नहीं। इसी वजह से अब जनता भी समझ गई है कि जब तक ये रहेंगे तब तक हमारी स्थिति बेहतर नहीं होने वाली। ये नवीन चौधरी खुद बता रहे हैं, हम तो सरकार में है नहीं, हम तो जनता की तरफ से बोल रहे हैं, मगर इनके पास समाधान का एक शब्द नहीं है, एक शब्द नहीं बोला इन्होंने अब तक समाधान का। अगर आक्षेप लगाया तो पिछली सरकारों को और अपने वोटों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों के घरों में आज जो हाल है, देश के कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, मध्यम वर्ग के कितने लोग गरीब हो गए हैं, देश का 90% से ज्यादा लोग गरीब हो चुके हैं, और ये कोरोना को देते हैं, परंतु सच्चाई ये है। ठीक है सुजाता जी, ठीक है। हाँ, हमारे साथ संजय जी भी हैं। संजय जी, नवीन जी का ये कहना है कि जो राजस्व को नुकसान पहुंचा है कोरोना काल में, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, उसकी जो वसूली है पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ा कर की जाएगी। देखिए शैलेंद्र जी, जहां तक नवीन ठाकुर जी जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनका ये जो कहना है कि क्योंकि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, इसलिए लोगों की जेब काटकर उसे पेट्रोल के दाम बढ़ाकर या सरसों के तेल के दाम बढ़ाकर निकाला जाएगा और तब किया जाएगा। मैं शैलेंद्र जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार तो हर राज्य में है, देश में भी है, और जब दिल्ली की सरकार इस समय पर भी 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकती है और 74% लोगों का वहां जीरो बिल आ सकता है, जीरो मीन्स जीरो, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ जीरो बिल आ सकता है, बिजली फ्री हो सकती है, पानी फ्री हो सकता है, महिलाओं के लिए बसें फ्री हो सकती है, अन्य सुविधाएं फ्री हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, तो उनके पास भी तो वैसे ही रेवेन्यू आया होगा कोरोना काल में। या भारतीय जनता पार्टी का कुछ अलग हिसाब किताब है कोरोना काल के लिए, या कांग्रेस की जहां शासित सरकार है उनके लिए कुछ अलग हिसाब किताब है? असल में नियत साफ नहीं है, ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। अभी कल ही 6 महीने पहले बना हुआ पुस्ता प्रेमनगर में गिर गया, 2 साल पहले बना हुआ पुल जो रायपुर में गिरा वो अभी हम लोगों ने देखा है, जो अभी हरिद्वार में कुंभ के दौरान जो घोटाला हुआ, फर्जी कोरोना टेस्ट घोटाला, वो भी हम सब ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 56 घोटाले करे हैं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 65 घोटाले किए हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, और उसके बाद ये करते क्या है, एक कोई व्यक्ति जेल नहीं जाता, तो ये सोचने की बात है। अभी देखिए आप देख रहे थे कि कैसे हल्ला रोली कर रहे थे दोनों लोग, असल में कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है ये एक दूसरे को बचाने के लिए, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, इसी तरह से इन्होंने पूरे उत्तराखंड को पिछले 20 साल में गर्त में धकेल दिया है, खाली कर दिया है, खोखला कर दिया है, 3000 स्कूल इन लोगों के राज में उत्तराखंड में बंद हो गए, लेकिन ये टीवी डिबेट में बैठ के हल्ला मचाकर जनता को गुमराह करते रहते हैं। जो काम करना होता है जब इनकी सत्ता होती है, सरकार होती है, ये उस काम को बिल्कुल नहीं करते हैं। संजय जी, जैसे अभी नवीन जी से सवाल किया गया कि जो वैट है बाकी राज्यों में जहां बीजेपी सरकार है वो वैट कम कर दे, तो उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो पहल क्यों नहीं करती है, वो पहले पहल करे, और कांग्रेस कहती है बीजेपी क्यों नहीं करती। हम दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में आपकी सरकार है, आपकी सरकार नए नए मॉडल पेश करने के लिए जानी जाती है, चाहे फ्री बिजली की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, नई शिक्षा, जो सरकारी स्कूलों का जो सिस्टम बदला उसकी बात हो, क्या दिल्ली सरकार कोई पहल नहीं कर सकती जो वैट के दाम है पेट्रोल में उसको कम किया जाए?
देखिए शैलेंद्र जी, आपके माध्यम से ही बताना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार जो जनता के लिए सुविधाएं देती है उससे लगभग 10 से 15 हजार प्रति व्यक्ति बचता है, और उस बचत के कारण वो दूसरे जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बढ़ाती रहती हैं वो झेल पाते हैं। क्योंकि देखिए, एक बच्चा अगर आपका प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो कम से कम फीस है 2500 रुपए, उसके ऊपर तो आप 6000 तक जा सकते हैं एक बच्चे के। आपके दो बच्चे हैं तो 5000 रुपए आप सरकारी स्कूल में दिल्ली में डाल दिया तो 5000 पर मंथ आपके वो परिवार के बच गए। आपके घर से कोई बस में ट्रेवल करता है तो दिल्ली में एक महिला तो पूरे महीने के 1000 रुपए वो बच गए। आपके 800 से 1200 रुपए बिजली का बिल बच गया, ठीक है, ऐसे ही पानी का बिल बच गया। तो कुल मिला के जब आपको लगभग 10 से 15 हजार रुपए बच जाते हैं तो आपके जीवन में आप कोई छोटी मोटी कठिनाई भी आती है जो ये भारतीय जनता पार्टी दे रही है आजकल, वो उन कठिनाइयों को भी वो व्यक्ति लड़ने में सक्षम हो सकता है। आपको मालूम होगा कि दिल्ली में अटल आयुष्मान योजना लागू नहीं है, जब हमारी अलग से योजना अपनी योजना लागू है उस योजना के अंतर हम 25 लाख रुपए तक का सभी को इलाज मुफ्त फ्री देते हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएं या सरकारी में कराएं। और दिल्ली में किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, चाहे वो किसी भी राज्य से गया हो, उत्तराखंड से गया हो या तमिलनाडु से गया हो या कहीं से गया हो, एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट होने के बाद उसे जो लेके जाता है उसको 2500 रुपए सम्मान राशि दी जाती है ले जाने वाले को, प्लस लाने का खर्चा दिया जाता है, और 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का जितना खर्चा होता है एक्सीडेंट में वो सारा दिल्ली की सरकार वहन करती है। तो ये सुविधाएं हम दिल्ली में दे रहे हैं, हमने करके दिखाया है। ऐसे ही कोई 3 बार लगातार मुख्यमंत्री नहीं बना देता, जनता को यदि जब आप काम करोगे तो आपको लगातार लाएंगे। लेकिन यहाँ की राज्य में क्या, उत्तराखंड में आज तक क्या होता रहा कि एक बार जनता नाराज हो जाती थी बीजेपी से तो कांग्रेस को ले आती थी कि बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया, कांग्रेस आ जाती थी कांग्रेस से नाराज होती थी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो फिर बीजेपी को ले आती, जनता नाराज होती थी लेकिन जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मजबूत ऑप्शन आज जनता के पास है, आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि उत्तराखंड में ये जो लूट की है, बंदरबांट है, ये कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, 5 साल तुम लूटो 5 साल तुम लूटो। ढेंचा बीज घोटाला होता है, ढेंचा बीज घोटाले में जब कृषि मंत्री होते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका नाम आता है, जांच होती है, हरीश रावत मुख्यमंत्री होते हैं, वो उस पर साइन कर देते हैं कि मुख्यमंत्री ढेंचा बीज घोटाले से मंत्री का कोई लेना देना, यानी सीधे सीधे त्रिवेंद्र रावत को हरीश रावत बचा जाते हैं। तो ये इनकी मिली भगत है। ठीक है, ये इनकी मिली भगत है। हमारे साथ राहुल जी भी है, राहुल जी आपके पास आऊंगा। सवाल यह कि अगर हम बढ़ते पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, अगर बाकी पड़ोसी देशों की बात करें वहाँ इतने ज़्यादा दाम नहीं है तेलों के, और हमारे देश में इतना ज़्यादा टैक्स क्यों लिया जाता है, एक बड़ा सवाल ये भी सर। आप बिल्कुल सही बात, जो पड़ोसी हमारे जो मतलब इवन जो एशिया जो कॉन्टिनेंट के जो तमाम देश है वहाँ हमसे कम टैक्स लगा हुआ है, तो वहाँ मतलब तुलनात्मक रूप से सस्ता है। देखिए मेरा सवाल एक दूसरा भी है, सरकारें तो आएंगी और बदलेंगी, कभी कांग्रेस की कभी बीजेपी की कभी आम आदमी पार्टी की होगी, वो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है कि जनता तो वही की वही है देश के अंदर राज्यवार, तो सवाल ठीक है टैक्स सरकार को चाहिए, उनको रेवेन्यू चाहिए, लेकिन रेवेन्यू की जो आप ले रहे हैं उसका आपके पास आज तक कोई भी सरकार एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो पैसा आप जनता की जेब से ले रहे हैं बतौर टैक्स वो आप खर्च कहाँ कर रहे हैं और किस लेवल पे आप ले रहे हैं, तो आप इसको पब्लिक मुझे ना पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। इस पर भी एक राष्ट्रीय विमर्श होना चाहिए कि जो आप जो पैसा आप हमसे ले रहे हैं, चाहे वो आप पेट्रोल पे बढ़ा रहे हो, चाहे वो मोबाइल जो बिल पे उस पर सेस लगता है या तमाम जो पेट्रोल पे सेस लगता है या और तमाम जो टैक्स सरकार ले रही है, तो उसको आप खर्च कहाँ और कितना और कैसे कर रहे हैं, तो इस पर भी एक विमर्श होना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी आपस में आरोप प्रत्यारोप में बच जाती है, वो कहेंगे तुमने कम बढ़ाया था, वो कहेंगे हमने कम बढ़ाया है, तो इनका काम उसमें हो जाता है। लेकिन जनता का जो दम निकल रहा है उसका उस पर मुझे लगता है कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे एक शिकायत जनता से भी है, अगर आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, पॉलिटिकल पार्टी धरना प्रदर्शन, आज आम आदमी भी मतलब जितना एक रिएक्टिव उसका होना चाहिए वो क्यों नहीं है? क्या उसके लिए महंगाई की समस्या आज इतनी, क्या उसने उसके लिए महंगाई के अलावा बाकी मुद्दे हैं, या वो धर्म की चरस में या बाकी चरसों में या जाति के दायरों में इतना वो तंग हो चुका इन मुद्दों से वो भी हटना चाह रहा है? तो ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल है। तो महंगाई एक राष्ट्रीय समस्या है, क्योंकि सरकार जिसकी जवाबदेही राष्ट्रीय समस्या है, बड़ी समस्या है। सुजाता जी कुछ कहना चाहती, बहुत देर से सुजाता जी अपनी बात कही। देखिए जहां तक वैट की बात है, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पे वैट क्या है और भाजपा शासित। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो 24.79% है, छत्तीसगढ़ में 25% है, महाराष्ट्र में 25% है
और मणिपुर में भाजपा की सरकार है 36 रुपीज 50 पैसा है और ये पेट्रोल पे डीजल पे 22 रुपए 50 पैसे। अगर मैं ऐसे ही मध्य प्रदेश बताऊं तो वहां पे 33% पेट्रोल पे 23% डीजल पे। तो मेरे से आंकड़ों पे अगर विषय पे आप बात करेंगे तो आंकड़े मेरे पास है, लेकिन अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे राज्य में क्या होना चाहिए, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जब हमारी डबल इंजन की सरकार थी तो हमारे राज्य को तो और सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और उसका कारण है कि हमारे जो राज्य में जो पार्टी इस वक्त सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी, वो अपना विजन नहीं रखती। उनको अगर चाहिए तो जो उनको केंद्र कह रहा है वो कठपुतलियों की सरकार की तरह कार्य कर रही है। अगर उनका अपना विजन होता तो उन्हें जनता के दर्द का मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अंदाजा। बिल्कुल बिल्कुल, समय कम है सुजाता जी, हम अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी हमसे जुड़े इस चर्चा के लिए। तो लगातार हम बात कर रहे थे बढ़ती महंगाई को लेकर, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं जिससे सीधा असर बाकी चीज़ों पर पड़ रहा है और आम आदमी परेशान है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जाता है, लगातार सरकार आश्वासन दे रही कि जल्द से जल्द जो महंगाई उस पर लगाम लगाई जाएगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।